बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित प्रश्न यदि सरल कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए, यदि इस प्रकार दिया गया हो तो हम ये दो नियम का उपयोग करेंगे। पहला नियम कहता है, यदि प्रश्न का स्वरूप साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के रूप में हो, तब एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स के पदों में लिखने का प्रयास करें। और तब दूसरा रूल, इसके परिणाम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स का उपयोग करें, जहां एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो। ठीक इसी प्रकार से यदि व्यंजक का स्वरूप कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के रूप में यदि दिया गया हो, तो भी हम उपरोक्त क्रियाविधि का प्रयोग करें। और तब ऐसी परिस्थिति में हम इसके लिए उचित प्रतिस्थापन की आवश्यकता निम्नानुसार उपयोग करें। आइए हम इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल पे कुछ व्यंजक दिए गए हैं और उसके लिए उचित प्रतिस्थापन क्या होगा। पहला नंबर का व्यंजक, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूप का हो, तब इसके लिए उचित प्रतिस्थापन हमें x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा रखना चाहिए। दूसरा, यदि व्यंजक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूप का हो, तब हमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा रखना उचित होगा। तीसरा, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूप का हो, तब हमें एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्रतिस्थापित करना चाहिए। चौथा प्रकार का व्यंजक, रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या रूट ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स रूप का हो, तब एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्रतिस्थापित किया जाना उचित होगा। ठीक इसी प्रकार से पांचवा व्यंजक का रूप, यदि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूप का हो, तब हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस टू थीटा या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्रतिस्थापित करना होगा। बच्चों, अब हम टेक्स्ट बुक जो एससीईआरटी का है का कुछ क्वेश्चन करते हैं। समझने के लिए हम एक इसका एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। ये है, कहता है दर्शाइए कि, ये इसमें दो बातें हैं। कहता है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और कंडीशन दिया है जहां माइनस वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन बाई रूट टू। और इसी में दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। जबकि इसके लिए कंडीशन है 1 बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन। तो बच्चों, यहाँ पर समझना है
ये देखिए, ये दो प्रश्न है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है लेकिन राइट हैंड साइड अलग अलग है। अब यदि हम गौर से इनके कंडीशन को देखें तो कंडीशन अलग अलग है, इसलिए ऐसा आ रहा है। इस कंडीशन के लिए इसका मान 2 साइन इनवर्स एक्स, जबकि इस कंडीशन के लिए इसी का मान 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम सीखते हैं। चलिए हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसको हम देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, जहां कंडीशन है माइनस 1 बाई रूट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई रूट 2। इसको हम लेते हैं, यानी इसका रूपांतरण ये है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम उचित प्रतिस्थापन करते हैं। मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या उचित प्रतिस्थापन करिए समझना है। जैसे हम साइन थीटा या कॉस थीटा कोई भी प्रतिस्थापन कर लेते हैं, तो किस में साइन थीटा प्रतिस्थापित करना और किस में कॉस थीटा प्रतिस्थापित करना ये ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें हम साइन थीटा पहले वाले में साइन थीटा प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है इस पर डिपेंड करता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर साइन प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा प्रतिस्थापित करते हैं, देयर एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है पहले वाले का, ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम रखते हैं साइन इनवर्स ऑफ, अब जब भी साइन इनवर्स ऑफ दिस तो आप दिस को साइन के रूप में प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि हम गुणधर्म लगाकर प्रतिलोम फलन को विलोपित कर सकें। अभी यहाँ पर हमारा उद्देश्य होना चाहिए साइन इनवर्स फलन को कैसे विलोपित करें। तो जब तक अंदर साइन के रूप में नहीं आएगा, साइन फलन के रूप में नहीं आएगा, विलोपित नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ ये हो गया 2x यानी 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण लगाइए, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, फार्मूला के रूप में आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स फार्मूला लगा दिया तो ये क्या मिला 2 थीटा, और 2 थीटा मीन्स क्या मिल गया इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो आपने फार्मूला अप्लाई किया है, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया आपने यहां पर, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दीजिए साइड में, और इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन बच्चों इस शर्त का क्या, इसको समझना है हमको। ये जो शर्त दिया है माइनस 1 बाई रूट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई रूट 2, शर्त यदि दिया है तो इस शर्त के लिए ये लागू होता है। लेकिन हम इसको समझ लें कि वास्तव में शर्त क्यों लिखा जाता है, ये सही है कि नहीं है, तो हम समझते हैं, इस शर्त की जांच करते हैं। वास्तव में इस शर्त के लिए ये लागू होता है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा साइन इनवर्स फलन का जो आउटपुट होता है, रेंज है, वो क्या होता है। क्योंकि साइन इनवर्स फलन का रेंज यानी परिसर यानी आउटपुट क्या होता है, इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। यानी ये जो हमको आउटपुट जो इसका मिला है
ये इसका जो मान मिला है वो इसके अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर माइनस पाई बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई टू। ये जो हमको मिला है वो इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा उद्देश्य तब x किसको बिलोंग करेगा, तो यहाँ से हमको x निकालना है बच्चों, यहाँ से हमको x निकालना है। बस यही ध्यान रखना है कि जो आउटपुट मिला है वो इस रेंज के अंतर्गत आना चाहिए और इसकी सहायता से x क्या बिलोंग करेगा ये बिलोंग करना चाहिए। तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम यहीं से चेक करेंगे। तो चलिए पहले टू हटाते हैं, तो टू हटाने के लिए सबको टू से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स निकालना है तो आप सबका साइन लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साइन पाई बाई फोर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साइन पाई बाई फोर। ये होता है माइनस और साइन पाई बाई फोर का मान वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन बाई रूट टू, जो सत्य है। तो इस प्रकार से हम शर्त की भी जांच कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वास्तव में शर्त क्यों दिया जाता है। जैसे कम नंबर पे दिया है, कम मार्क्स के लिए दिया है, तो आप यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो शर्त दिया जाता है वो सत्य होता है, सत्यापित होता है, ठीक है बच्चों। इसका हम आगे दूसरा भाग करते हैं बच्चों। अब हम इसका दूसरा भाग लेते हैं, चाहे तो आप पहला भाग के आधार पर दूसरा भाग स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। दूसरा भाग है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स, जबकि इसके लिए कंडीशन है वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों। जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन को ध्यान पर रखना है। कॉस इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स ये लाना है, तो हम इसमें एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लेते हैं। देयर एम्प्लाइज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, मान रखते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, टू इंटू एक्स कॉस थीटा इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सरल करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ टू कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और उसका रूट साइन थीटा, सरल कर लिया और ये पुनः फार्मूला लग गया टू साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। और फिर हम इसमें गुणधर्म लगा दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल एक्स, ये हो गया टू थीटा, थीटा का मान वापस रखा टू कॉस इनवर्स एक्स और ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गया, सिद्ध हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर पहले वाले में आपने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था क्योंकि आउटपुट टू साइन इनवर्स के रूप में प्राप्त करना था, जबकि दूसरे में हमको टू कॉस इनवर्स एक्स प्राप्त करना था, इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन का खास महत्व है। उचित प्रतिस्थापन करने पर ही उचित जवाब मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर इसका शर्त है, इसका भी हम शर्त का सत्यापन कर लेते हैं। जो शर्त दिया है, शर्त की जांच, तो इसके लिए हमको क्या सीखना है बच्चों कि यहां पर
लेफ्ट हैंड साइड जो है ध्यान रखिए साइन इनवर्स ही है, इसी का ही आउटपुट है। तो ये जो है इसको बिलोंग कर, इसके रेंज को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि साइन इनवर्स का जो परिसर है, रेंज है, परिसर क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और इसलिए इसका जो आउटपुट है टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको बिलोंग करना चाहिए। तो माइनस पाई बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई टू। तो पहले टू हटाइए बच्चों, तो टू से डिवाइड करिए, इसके आगे हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ, फार्मूला जो है जो अप्लाई किया है साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई फोर, ये है। अब हम साइन इनवर्स को हटाओ तो साइन लेना पड़ेगा, तो साइन माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन आर इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू साइन पाई बाई फोर। तो बच्चों ये हमको क्या मिला, ये हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस और साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हट गया रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो गया वन बाई रूट टू। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये जितना है सब पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यानी जीरो से इधर आ जाएगा। स्क्वायरिंग करने पर यह आ जाएगा जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू वन बाई टू। ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है फिर से यहाँ पर समझना है, ठीक है, ध्यान दे बच्चों, इसका स्क्वायरिंग किया क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग पूरे करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पूरा निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो जीरो से इधर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये जो दिख रहा है वन को हटाना है, तो वन को हटाना है क्या करना पड़ेगा, माइनस वन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जीरो माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन, तो ये माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एक्स और इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस हाफ। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर है ये स्क्वायर आएगा ना, ये स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब हम माइनस यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो सबको माइनस इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ, ठीक है बच्चों। या फिर हम लिख सकते हैं वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ, यानी हाफ छोटा, यानी हम लिख सकते हैं हाफ इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू वन। अब स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि x निकालना है, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेने पर वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन का रूट वन, तो ये आपका शर्त हमको मिल गया। ये देखिए ये जो शर्त था वन बाई रूट टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन, तो हम इस प्रकार से इस शर्त की जाँच कर सकते हैं। तो वास्तव में जो सवाल में दिया है जो शर्त उसी शर्त के लिए लागू होता है, तो हम इस शर्त को भी समझ सकते हैं।